ऑक्सीजन को जाके सब्सक्राइब करें, उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। पटना शहर अपने खान पान के लिए भी काफी प्रसिद्ध है, फालूदा आप दुनिया भर के व्यंजनों का मजा ले सकते हैं, लेकिन सबसे फेमस है यहाँ का लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते आदाब, सत श्री अकाल और हेलो, आई होप आप लोग मजे में। एक सिटी टूर एक और लेके आ गए पटना सिटी का, और सारी मूवीज में हमने पटना सिटी के बारे में सुना है, और एक गाना भी था हमें राई मूवी का, मुंबई से गए पूना, पूना से गए पटना, इस तरह का कुछ गाना था। मेरा बड़ी वो मूवी देखी हुई है, तो पटना सिटी देखने जा रहे हैं। एक बार पहले भी मैंने इसका रिएक्शन दिया था, काफ़ी पहले जब मैं नया नया अकेले बैठा करता था रिएक्शन चैनल पर, तो काफ़ी टाइम हो गया यार। आप लोग बताएं, वैसे आज एक मेरे जहन में सवाल आया, आप लोग बताएं कि कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि किस टाइम से आप लोगों ने हमें देखना शुरू किया, कौन सा ईयर था, या मैं देखना चाहता हूँ कौन लोग कितने पुराने देख रहे हैं हमें। सो पटना सिटी का जो ये हमारे पास कैपिटल ऑफ बिहार है, मॉडर्न व्यू एंड फैक्ट्स, आपको बहुत डेवलप्ड हो गया होगा। हाँ, तो ये है भी अपडेटेड वीडियो है, एक्सप्लोर YRS चैनल का नाम है इनके चैनल का नाम, वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाके उसे चेकआउट करेंगे, वीडियो देखने के बाद करेंगे डिस्कशन, स्टे विद अस। पटना बिहार की राजधानी, जिसका नाम आते ही कुछ लोगों के जहन में गंदी सड़कें, बेकार राजनीति और सार्वजनिक वाहनों में ठसे हुए लोगों की छवि दिमाग में उभरने लगती है। ऐसा क्यों? लेकिन क्या आपको मालूम है कि आर्यभट्ट हो या फिर चाणक्य, ये सभी लोग पटना से ही थे, जिन्हें भारतीय इतिहास में ज्ञान के क्षेत्र में धुरंधर माना जाता है। आपको इस शहर में आने के बाद धर्म और संस्कृति का एक मिला जुला रूप देखने को मिलेगा। तभी तो कहा जाता है कि भारत की असल छाप देखनी है तो पटना की सैर करना आवश्यक है। तो आइए आज हम जानेंगे पटना शहर के बारे में। ये कितनी खूबसूरत है, बिल्डिंग्स बहुत प्यारी होती हैं इंडिया में, पुरानी खास तौर पे। वाओ, देखो टेम्पल है ना। इस शहर की स्थापना 490 ईसा पूर्व मगध काल में हुई थी, 490 BC, पाटलिपुत्रा के नाम से जाना जाता था। माना जाता है कि पाटली एक पेड़ की प्रजाति है जो कि सिर्फ पटना में ही पाया जाता था, उसी पर इसका नाम पड़ा पाटलिपुत्रा। लेकिन वर्तमान समय में ये शहर पटना के नाम से जाना जाता है, जो कि बिहार की राजधानी होने के साथ ही इस राज्य का सबसे बड़ा शहर भी है। भारत की आजादी में पटना का विशेष योगदान रहा है। नील की खेती के लिए चंपारण आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत पटना से ही हुई थी। वहीं ये शहर सिखों के अंतिम सम्राट श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान भी है, जहां देश विदेश से लाखों सिख श्रद्धालु यहां के पटना साहब गुरुद्वारा में मत्था टेकने आते हैं। पटना साहब गुरुद्वारा सबसे लंबे सड़क पुलों में से एक पटना में स्थित है, जो कि 5575 मीटर लंबा है। इसे महात्मा गांधी सेतु के नाम से जाना जाता है, तथा भारत का एकमात्र राष्ट्रीय अंतरदेशीय नौकायान संस्थान पटना शहर के गाय घाट में स्थित है। वहीं पटना से चार नदियां गुजरती हैं, गंगा, सोन, गंडक और पुनपुन नदी। और अगर पूर्वी भारत की बात करें तो कोलकाता के बाद पटना दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जो कि काफी तेजी से विकास की राह पे आगे बढ़ रहा है। एंड अगर हम बात करें पटना के वर्तमान इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो ये शहर सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई मार्ग द्वारा देश के सभी बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। वहीं शहर में छोटे बड़े कुल 10 रेलवे स्टेशन हैं, जिनमें सबसे बड़ा है यहाँ का पटना जंक्शन। यह एक विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशन है, जहाँ पर यात्रियों के लिए हर तरह की सुविधाएं मौजूद हैं, तथा यहाँ के सिटी सेंटर से 5 किलोमीटर साउथ वेस्ट में मौजूद है जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि देश का 18वां सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट माना जाता है। तथा अगर हम बात करें इस शहर के रोड नेटवर्क के बारे में, तो पटना को द सिटी ऑफ फ्लाईओवर्स के नाम से भी जाना जाता है। फ्लाईओवर्स बहुत होंगे, लेकिन यहाँ की ज्यादातर सड़कों की चौड़ाई कम होने के कारण यहाँ पर ट्रैफिक जैम की समस्या आम बात है। बड़ा मसला। हालांकि इससे निजात पाने के लिए इस शहर के बाहरी हिस्से में 140 किलोमीटर लंबी आउटर रिंग रोड पर काम चल रहा है, जिसके बन जाने के बाद शहर पे पड़ने वाला ट्रैफिक का बोझ कुछ हद तक कम होगा, साथ ही पटना के बाहरी इलाके भी तेजी से डेवलप होंगे। Thank you.
मिनीसो ये प्यारा यार रेलवे स्टेशन जान लेते हैं पटना के खान पान और यहाँ के कुछ पर्यटन स्थलों के बारे में। ये जरूरी है। तो पटना शहर अपने खान पान के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। फालूदा आप दुनिया भर के व्यंजनों का मजा ले सकते हैं, लेकिन सबसे फेमस है यहाँ का लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा साधारण खाना है जिसे अमीर गरीब सभी अफोर्ड कर सकते हैं। एंड वहीं पटना में घूमने फिरने की जगहों की बात करें तो यहाँ पर आप गोलघर अगम कुआं, पटना साहिब, महावीर मंदिर, पटना म्यूजियम, इको पार्क, बुद्धा स्मृति पार्क, एनआईटी घाट और संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क जैसी जगह देख सकते हैं। नाइस। फिर देर किस बात की कर रहे हैं, उठाइए बैग और निकल पड़िए पटना की एक रोमांचक यात्रा। अच्छा सबसे पहले तो मुझे बताएं यार ये लिट्टी चोखा देख के मेरे मुंह में पानी आ गया है। बड़ी कोई खूबसूरत सी प्यारी सी चीज है। ये होती क्या है, इसके अंदर कोई इंग्रेडिएंट्स हैं तो क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, और कह रहे हैं कि यहाँ की फेमस है और अमीर से लेकर गरीब सब यही खाते हैं, अफोर्ड भी कर सकते हैं। जब स्टार्ट होते हो कहते हैं कि आप लोगों को जेब में पटना को देख के पुराना सा शहर इस तरह आपके जेब में घूम रहा होगा। ऐसी बात उन्होंने क्यों की, लेकिन वो बताते हैं कि असल में पटना इस तरह का नहीं है और सिटी ऑफ इमोशंस इसको बुलाया जा रहा है। इतनी कोलकाता के बाद सेकंड नंबर पे आता है और इतनी यार प्यारी बिल्डिंग्स मुझे यहाँ पर देखने को मिली हैं। रेलवे स्टेशन था, एक गोल घर था वो मुझे बहुत प्यारा लगा। गोल घर पतली पुत्रा नाम था तो, लेकिन वो फिर बाद में दरख्त की वजह से कि वो दरख्त वहीं पाया जाता था, लेकिन फिर बाद में पटना कर दिया गया था। फिर एक जो है हमारे सिख भाइयों के लिए एक वहाँ पे था गुरुद्वारा था जो कि बहुत खूबसूरत था, बहुत बड़ा। और टेंपल दिखाया गया बड़े प्यारे। और नियम था कि 10 रेलवे स्टेशन है यहाँ पे और 5 नदियां जिसको लिंक करती हैं, चार गंगा पुनपुन और भी दो थी। हाँ तो और एक ब्रिज है, काफी लंबा ब्रिज है। कितना बड़ा है, मतलब इतनी सारी चीजें बता रहे हैं। और रोड्स का बता रहे हैं कि क्योंकि सिंगल है तो थोड़ी तंग है, तो उस वजह से रिंग रोड का काम चल रहा है, लेकिन अब तक शायद बन गया होगा रिंग रोड। और 18वां सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट भी है, तो मतलब इतनी सारी चीजें यहाँ पर, तो कौन इसके बारे में ऐसा बोलता है जो शुरू में वो बोल रहे थे कि सिटी ऑफ फ्लाईओवर। अच्छा ये इतने खूबसूरत फ्लाईओवर हम देख रहे हैं, फ्लाईओवर पे फ्लाईओवर है और लाइटें वहाँ जल रही हैं, तो हम लोग तो काफी अमेज्ड हो गए इसको देख के। खाने में सिर्फ लिट्टी चोखा का ही बताया है, तो आप बताएं और यहाँ की क्या फेमस खाने पीने की चीजें। यार लिट्टी चोखा का तो बड़ा दिल कर रहा है। और यहाँ की चाय कैसी है, क्या चीज सबसे फेमस है, हमें जरूर बताइएगा। लोग कैसे हैं खासतौर पर। सो ये काफी अपडेटेड है, जो मैंने लास्ट देखा था उसमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, एंड काफी सारी घूमने फिरने की जगहें भी बताई, तो बहुत अच्छा लगा देख के। और हमेशा में पता चलता है कि शहर के बारे में कि इसमें क्या क्या है, कितनी तरक्की पर है। सो दैट्स इट। अगर आपको अच्छा लगा रिएक्शन तो व्हाट डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर माय ब्लॉग चैनल, जाके लाइक एंड सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें फॉर लेटेस्ट फोटोज एंड अपडेट्स के लिए। इसी तरह नए नए रिएक्शन लेके आते रहेंगे, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।